200 और को क्या लगता है दिनेश कार्तिक और ऋषभ पंत में से कौन सबसे बेहतरीन विकेट कीपर है? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। 200 भारतीय टीम को तो शानदार जीत मिली तीसरे T20 इंटरनेशनल मुकाबले में वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन एक और बार ऋषभ पंत ने अपनी तूफानी बल्लेबाजी से साबित किया कि वही महेंद्र सिंह धोनी की जगह लेना चाहते हैं भारतीय टीम में आने वाले समय में, क्योंकि आज का मुकाबला ऋषभ पंत ने ही फिनिश किया और भारतीय टीम को 7 विकेटों से तूफानी मुकाबला जिताया। लेकिन एक मोड़ ऐसा आ गया था जहां ऋषभ पंत अपनी विकेट तोहफे में देने की कोशिश कर रहे थे पूरी वेस्ट इंडीज की टीम को, लेकिन वेस्ट इंडीज की टीम अकेले ऋषभ पंत का सामना नहीं कर पाई और ऋषभ पंत को जाने दिया। दोस्तों आप सभी को बता दें, जब ऋषभ पंत बल्लेबाजी कर रहे थे और भारतीय टीम को 26 रन चाहिए थे 24 गेंदों पर, तब हार्दिक पांड्या और ऋषभ पंत मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। दोस्तों आप सभी को बता दें, दोनों के बीच में एक छोटी साझेदारी हो ही रही थी, तभी आ गए ऋषभ पंत स्ट्राइक पर और उनके सामने गेंदबाजी करने आए ड्रेक्स। दोस्तों आप सभी को बता दें, ड्रेक्स की पहली गेंद तो शॉट नहीं लगा पाए ऋषभ पंत, लेकिन दूसरी गेंद पर कुछ अजीबोगरीब इस तरीके से शॉट खेलते हुए नजर आए। ये गेंद पर भी शॉट नहीं लगा, उसकी अगली गेंद पर कुछ इस तरीके से अजीबोगरीब शॉट लगाने की कोशिश कर रहे थे ऋषभ पंत, ये शॉट भी नहीं लगा। उसकी अगली गेंद पर एक और बार पीछे का शॉट खेलने की कोशिश की ऋषभ पंत ने, ये भी शॉट नहीं लगा। दोस्तों बल्ले का एज लगते लगते थोड़ी सी दूरी में बच गए ऋषभ पंत, अगर ये बल्ले का एज लग जाता तो विकेट कीपर किसी भी हाल में इस कैच को लपक कर ऋषभ पंत को आउट कर लेते। तीन गेंदों पर ऐसा शॉट खेलने के बाद हार्दिक पांड्या कुछ इस तरीके से देखने लगे ऋषभ पंत को, उनका भी कहना था कि ऐसा क्यों कर रहे हैं। ऋषभ पंत कोशिश कर रहे थे कि वो एबी डिविलियर्स की तरह 360 शॉट्स लगाएं, लेकिन उसके बाद सामने की तरफ चौके छक्के लगाना शुरू किया ऋषभ पंत ने और अंत में भारतीय टीम को इस मुकाबले में 33 रनों की नाबाद पारी खेलकर विजय बनाया ऋषभ पंत ने। 207 विकेटों से भारतीय टीम ने इस तूफानी मुकाबले को जीत लिया और ऋषभ पंत ने चौका लगाकर महेंद्र सिंह धोनी की तरह इस मुकाबले को फिनिश किया। लेकिन दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या पंत धोनी की जगह ले सकते हैं? नहीं, इसका जवाब हमें कमेंट में बताएं। 203 T20I मुकाबले में ऋषभ पंत से भी सबसे बड़ी गलती। 200 भारतीय टीम जीत चुकी है तीसरा T20I मुकाबला, वो भी 7 विकेटों से शानदार तरीके से वेस्ट इंडीज के खिलाफ, लेकिन जब वेस्ट इंडीज इस मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करने उतरी तब ऋषभ पंत के हाथों एक ऐसी बड़ी गलती हो गई जिसे देख सबकी आंखें पटी की पटी रह गई। दोस्तों आप सभी को बता दें, ये बात है जब वेस्ट इंडीज पहले बल्लेबाजी करने उतरी और सलामी बल्लेबाज काइल मेयर्स तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और सर्दबद्ध बन गए थे भारतीय टीम के सभी गेंदबाजों का। 203 ओवर की पहली गेंद जैसे ही फेंकी भुवनेश्वर कुमार ने, तो इस तरीके का अजीबोगरीब शॉट खेला काइल मेयर्स ने, गेंद बल्ले को ऐसा लग रहा था कि छूकर ऋषभ पंत के दस्तानों में जाकर गिर गई है। लेकिन इसी को लेकर किसी भी टीममेट ने अपील नहीं की भारतीय टीम के और काइल मेयर्स भी शांति से आगे दौड़ने लगे, लेकिन विकेटों के पीछे से काफी बुरी तरह से गुस्से में आ गए ऋषभ पंत। 200 ओवर ने खुद ही फैसला ले लिया कि वो रिव्यू लेंगे, जैसे कि आप देख सकते हैं रोहित शर्मा कहीं और खड़े हैं, ऋषभ पंत ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो खुद ही कप्तान है। 200 खुद ही रिव्यू लेने का फैसला लिया ऋषभ पंत ने और बार बार कह रहे थे कि रोहित शर्मा को की आवाज आई है, आप रिव्यू लीजिए, जिसे देख तंग आकर आखिरकार रोहित शर्मा ने रिव्यू ले ही लिया। अब रिव्यू का मतलब काफी ज्यादा मुश्किल हो चुका था क्योंकि खतरनाक बल्लेबाज काइल मेयर्स। 200 लेकिन जब रिव्यू में देखा गया तो कोई भी बल्ले का एज नहीं लगा है और कोई भी स्पाइक नजर नहीं आई है और ऋषभ पंत जो कैच पकड़े हैं उससे बल्ले का एज बिल्कुल भी नहीं लगा है, जिसके चलते अंपायर ने नॉट आउट दिया। 200 रोहित शर्मा का एक रिव्यू गया, भारतीय टीम का एक रिव्यू गया, जिसे देख रोहित शर्मा के साथ साथ हार्दिक पांड्या भी काफी ज्यादा गुस्से में नजर आए। 200 रोहित शर्मा कह ही रहे थे कि ऋषभ पंत को बल्ले की आवाज आई नहीं है, फिर भी ऋषभ पंत ने अपनी मर्जी चलाई। उसे देख दूसरे एंड से काफी बुरी तरह से हंसने लगे दिनेश कार्तिक ऋषभ पंत के ऊपर। 201 मोड़ के लिए काफी बड़ा हंगामा हो गया आज के मुकाबले में, जो कि हम आपको पूरी तरह से बता चुके हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें, वेस्ट इंडीज की टीम में मुकाबला हार चुकी है तीसरा T20I मुकाबला। दोस्तों ऋषभ पंत की इस हरकत को आप 5 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों भारतीय टीम ने एक और बार फतह हासिल कर ली है वेस्ट इंडीज के खिलाफ तीसरे T20I मुकाबले में। ये रही आपकी आंखों की समरी आज के पूरे मुकाबले की। भारतीय टीम ने आज का मुकाबला शानदार तरीके से 7 विकेटों से जीत लिया, जब सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड मिला। लेकिन इसी मुकाबले में जब वेस्ट इंडीज पहले बल्लेबाजी कर रही थी, तब रोहित शर्मा बुरी तरह से भड़क उठे भुवनेश्वर कुमार के ऊपर, क्योंकि वेस्ट इंडीज के काइल मेयर्स सेट हो गए थे और अर्धशतक पर तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे। इनकी बल्लेबाजी देखकर लगभग हर खिलाड़ी हैरान हो रहा था मैदान पर। 200 काइल मेयर्स तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और सबके रोंगटे खड़े हो गए थे इनकी बल्लेबाजी को देखकर। 200 रोहित शर्मा बुरी तरीके से भड़क उठे जब काइल मेयर्स बल्लेबाजी कर रहे थे और उनके सामने आ गए थे भुवनेश्वर कुमार। 200 रोहित शर्मा ने लगभग 5 मिनट लगाए समझाने के लिए भुवनेश्वर कुमार को कि आप जिस हिसाब से गेंदबाजी करेंगे उस हिसाब से मैं फील्डिंग लगाऊंगा। काइल मेयर्स सामने लगाते हैं शॉट, उस हिसाब से मैं फील्डिंग लगा रहा हूं, आप गेंदबाजी भी वैसे ही कीजिए। उसके बाद ठीक इस तरीके से गेंद रखी भुवनेश्वर कुमार ने, हवा में शॉट खेला काइल मेयर्स ने और गेंद के नीचे आ गए ऋषभ पंत, जिसके चलते रोहित शर्मा की कप्तानी से एक और बड़ी विकेट मिली भारतीय टीम को। काइल मेयर्स जैसा खतरनाक बल्लेबाज 73 रन बनाकर भुवनेश्वर कुमार के ही हाथों आउट हुआ। एक और बार रोहित शर्मा ने साबित किया कि वही भारतीय टीम के सबसे बेहतरीन कप्तान चल रहे हैं। 200 रोहित शर्मा ने अपनी कप्तानी से बेहतरीन तरीके से एक और जीत हासिल कर ली है और 7 विकेटों से भारतीय टीम ने तूफानी मुकाबला जीत लिया है। इसी के साथ इस सीरीज को 2-1 से लीड कर रही है भारतीय टीम। 200 आप रोहित शर्मा की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बता दीजिएगा। 200 एक और बार महेंद्र सिंह धोनी की तरह मैच को फिनिश किया ऋषभ पंत ने। 203 T20I मुकाबले में 7 गेंदों पर 4 रनों की दरकार थी और इस तरीके से चौका लगाकर रोहित शर्मा की टीम को विजय बनाया हमारे ऋषभ पंत ने। 200 भारतीय टीम जीत चुकी है तीसरा T20I मुकाबला वेस्ट इंडीज के खिलाफ 7 विकेटों से। 200 भारतीय टीम ने इतना रन चेस वो भी सिर्फ 19वें ओवर में किया। भारतीय टीम के इनिंग के हीरो रहे सूर्य कुमार यादव। 200 सूर्य कुमार यादव ने इस मुकाबले में 76 रनों की बेहतरीन पारी खेली थी 44 गेंदों में 4 छक्के व 8 चौके लगाकर, जिसके चलते इन्हें मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। जी हां दोस्तों, सूर्य कुमार यादव को मैन ऑफ द मैच का अवार्ड दिया गया। इसी के साथ भारतीय टीम ये मुकाबला जीतकर इस सीरीज को 2-1 से लीड कर चुकी है, क्योंकि शुरुआती मुकाबला भारतीय टीम ने जीता था, उसके बाद एक वेस्ट इंडीज ने जीता, फिर आज भारतीय टीम ने मुकाबला
मामला जीत लिया है। दोस्तों समरी की बात करें तो पहली इनिंग में 164 रन लगाए थे वेस्ट इंडीज ने और इतना टारगेट पूरा करते भारतीय टीम ने मुकाबला शानदार तरीके से जीत लिया। दोस्तों भारतीय टीम के लिए एक रिकॉर्ड रन चेज है और एससी किट्स के मैदान पर 14 सबसे सक्सेसफुल रन चेज है भारतीय टीम की तरफ से। ऐसे में एक ही मुकाबले में भारतीय टीम ने कई अनगिनत रिकॉर्ड्स तोड़े। ऋषभ पंत ने शानदार तरीके से मैच फिनिश किया। सूर्य कुमार यादव पहले ऐसे नंबर वन के ओपनर बने जिन्होंने एससी किट्स में इतना बड़ा स्कोर लगाया है, वो भी एक युवा बल्लेबाजों की लिस्ट में। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम इस साल T20 वर्ल्ड कप को अपने नाम कर पाएगी या नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। ऐसे में सूर्य कुमार यादव और उनके साथ ऋषभ पंत मैदान पर बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे थे। एक तरफ से सूर्य कुमार यादव, दूसरे एंड से ऋषभ पंत लगे हुए थे। लेकिन जब सूर्य कुमार यादव 76 रन पर आ गए तब उन्होंने स्कूप शॉट खेला। 200 शॉट तो खेल बैठे ये, लेकिन बॉडी पर इस तरीके से फील्डर ने शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते बेहतरीन पारी खेलकर सूर्य कुमार यादव 76 रनों की तूफानी पारी खेल 44 गेंदों पर आउट हुए। उनके बाद मैदान पर बल्लेबाजी करने आए हार्दिक पांड्या, लेकिन ऋषभ पंत का ज्यादा देर साथ हार्दिक पांड्या नहीं दे पाए। दोस्तों आप सभी को बता दें होल्डर की इस गेंद पर अपने बल्ले का बड़ा साइज दे बैठे हार्दिक पांड्या और विकेट कीपर दिवान थॉमस ने शानदार कैच पीछे लपक ली, जिसके चलते हार्दिक पांड्या मैच को फिनिश नहीं कर पाए। 4 रन बनाकर 6 गेंदों का सामना करते हार्दिक पांड्या आउट हुए। दोस्तों उनके बाद मैदान पर दीपक हुड्डा बल्लेबाजी करने आए और उनका साथ दे रहे थे ऋषभ पंत, लेकिन तब तक भारतीय टीम की जीत 99% पक्की हो चुकी थी क्योंकि सिर्फ 14 गेंदों पर 14 रनों की दरकार थी और ऋषभ पंत ने इस तूफानी मुकाबले को शानदार तरीके से समाप्त किया, जिसके चलते भारतीय टीम ये मुकाबला आसानी से अपने नाम कर चुकी है। जी हां दोस्तों, भारतीय टीम को मिली एक शानदार जीत तीसरे T20 मुकाबले में। दोस्तों आप ऋषभ पंत की बल्लेबाजी को 10 में से कितने नंबर देंगे? इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। दोस्तों भारत बनाम वेस्ट इंडीज का तीसरा T20 मुकाबला रोमांचक चला है, जहां पहले बल्लेबाजी करते हुए वेस्ट इंडीज की टीम ने भारतीय टीम के खिलाफ टॉस जीतकर 164 रन लगा दिए है 5 विकेट के नुकसान पर। अब बारी है भारतीय टीम की। ऐसे में टारगेट का पीछा करते हुए एक और बार सूर्य कुमार यादव और रोहित शर्मा सलामी बल्लेबाज उतरे मैदान पर। दोस्तों रोहित शर्मा और सूर्य कुमार यादव ने शुरुआत को अच्छी दिलाई, जहां शुरुआती ओवरों में रोहित शर्मा ने एक तूफानी छक्का और एक गगनचुंबी चौका लगाया, लेकिन थोड़ी सी चोट के कारण रोहित शर्मा ने रिटायर्ड लेने का फैसला किया और थोड़ा रेस्ट करने का फैसला किया, जिसके चलते सूर्य कुमार यादव और श्रेयस अय्यर आए बल्लेबाजी करने के लिए। दोस्तों रोहित शर्मा रिटायर्ड हट गए, लेकिन उसके बाद से जो सूर्य कुमार यादव ने तूफानी बल्लेबाजी की उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। दोस्तों सूर्य कुमार यादव ने देखते ही देखते सिर्फ 25 गेंदों पर अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया और श्रेयस अय्यर उनका साथ दे रहे थे। सूर्य कुमार यादव ने 3 छक्के व 6 चौके लगाकर अपना अर्धशतक पूरा किया और भारतीय टीम का स्कोर हो चुका है 81 रन, वो भी सिर्फ 8 ओवर में। दोस्तों सूर्य कुमार यादव तो बेहतरीन बल्लेबाजी कर ही रहे थे अपना अर्धशतक लगाकर, लेकिन श्रेयस अय्यर वो काम नहीं कर पाए। दोस्तों अकील हुसैन की इस गेंद पर आगे बढ़ बैठे श्रेयस अय्यर इस तरीके से और पीछे डिवियन थॉमस विकेटकीपर ने उन्हें स्टंपिंग कर दिया, जिसके चलते श्रेयस अय्यर की बड़ी विकेट गिरी। दोस्तों श्रेयस अय्यर 24 रन बनाकर 27 गेंदों का सामना करते अपने विकेट गवा बैठे। उनके बाद तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने आए ऋषभ पंत। दोस्तों इन्होंने भी आकर वही बल्लेबाजी को बरकरार रखा जो सूर्य कुमार यादव ने शुरुआत दिलाई थी। दोस्तों आधे ही कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए ऋषभ पंत ने, जिसके चलते भारतीय टीम अब लगभग 99% मुकाबला जीत चुकी है क्योंकि फिलहाल सूर्य कुमार यादव 70 रन नाबाद हैं और उनके साथ श्रेयस अय्यर के आउट होने के बाद ऋषभ पंत भी आ चुके हैं, जिसके चलते सिर्फ 46 रन चाहिए 42 गेंदों में और भारतीय टीम लगभग मुकाबला जीत चुकी है। दोस्तों आपको क्या लगता है, क्या ऋषभ पंत को भारतीय टीम का कप्तान बनाना चाहिए नहीं? इसका जवाब हमें कमेंट में जरूर बताएं। दोस्तों शुरू हो चुका है भारत बनाम वेस्ट इंडीज का तीसरा T20 मुकाबला। दोस्तों एक और बार निकोलस पुरन और रोहित शर्मा आमने सामने आए टॉस के लिए, लेकिन इस बार हमारे कप्तान रोहित शर्मा ने टॉस जीता और टॉस जीतते गेंदबाजी का किया फैसला, जिसके चलते भारतीय टीम पहले गेंदबाजी करने उतरी, लेकिन भारतीय टीम को जो गेंदबाजी की जरूरत थी वो गेंदबाजी नहीं मिली और उसके बदले में ताबड़तोड़ शुरुआत मिली वेस्ट इंडीज के सलामी बल्लेबाजों को। काइल मेयर्स इस मुकाबले में तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और शुरुआती ओवरों में इन्होंने तूफानी बल्लेबाजी की। दोस्तों काइल मेयर्स ने आवेश खान के एक ही ओवर में एक तूफानी छक्का और दो तूफानी चौके लगा दिए। दोस्तों उनका साथ दे रहे थे ब्रैंडन किंग, लेकिन काइल मेयर्स सिर्फ 20 गेंदों का सामना करते 30 रन लगा चुके थे। दोस्तों भारतीय टीम के सामने दोनों ही बल्लेबाजों ने बेहतरीन और आक्रामक बल्लेबाजी का नमूना दिया, जिसके चलते वेस्ट इंडीज को शुरुआत अच्छी मिली और भारतीय टीम की गेंदबाजी की शुरुआत ज्यादा कुछ बेहतरीन नहीं हुई। काइल मेयर्स जो कि एक खतरनाक बल्लेबाज हैं, अच्छी फॉर्म में नजर आ रहे थे और उनके साथ शांति भरी बल्लेबाजी कर रहे थे ब्रैंडन किंग, जो कि एक बेहतरीन बल्लेबाज हैं। ऐसे भारतीय टीम के हाथ में अभी तक एक भी विकेट नहीं लगी, 5 ओवर हो चुके हैं और 41 रन स्कोर हो चुका है वेस्ट इंडीज का बिना कोई विकेट के। जी हां दोस्तों शुरुआती पावर प्ले में तो एक भी विकेट नहीं गवाई वेस्ट इंडीज ने। ऐसे में दोनों ही सलामी बल्लेबाजों के बीच में पार्टनरशिप हो ही रही थी, तभी हार्दिक पांड्या आ गए इनकी पार्टनरशिप को तोड़ने के लिए और आते ही इसी यॉर्कर गेंद पर बोल्ड कर रख दिया पहले सलामी बल्लेबाज ब्रैंडन किंग को, जो इस तरीके से क्लीन बोल्ड होकर रह गए हार्दिक पांड्या के हाथों। दोस्तों पहली विकेट मिली भारतीय टीम को, 20 रन बनाकर 20 गेंदों का सामना करते ब्रैंडन किंग आउट हुए। दोस्तों उनके बाद बल्लेबाजी करने आए खुद कप्तान निकोलस पुरन नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने के लिए और आते इन्होंने कुछ आक्रामक शॉट्स भी लगाए और 22 रन पर भी पहुंच गए थे, लेकिन ज्यादातर ये भी बल्लेबाजी मैदान पर कर नहीं पाए काइल मेयर्स के साथ। काइल मेयर्स तूफानी बल्लेबाजी कर रहे थे और निकोलस पुरन के साथ तो इन्होंने मैदान पर आतंक मचा कर रख दिया और अपना तूफानी अर्धशतक पूरा किया इस बेहतरीन मुकाबले में, लेकिन का साथ नहीं दे पाए निकोलस पुरन। भुवनेश्वर कुमार की इस बार जाती गेंद को ऐसे बैठे और पीछे ऋषभ पंत ने इस तरीके से शानदार कैच लपक ली, जिसके चलते इस मुकाबले में
कप्तान निकोलस पुरन 22 रन बनाकर 23 गेंद पर सामना करते खराब बल्लेबाजी करके आउट हुए। 200 रन के बाद भी तूफानी बल्लेबाजी बरकरार थी पैलेस लाइन बल्लेबाज काइल मेयर्स की, तभी इस तरीके से आउट हो गए काइल मेयर्स। भुवनेश्वर कुमार की गेंद को हवा में खेल बैठे और गेंद के नीचे आ गए इस तरीके से ऋषभ पंत और इस तरीके से उन्होंने शानदार कैच लपक ली, जिस गलते काइल मेयर्स 73 रनों की शानदार पारी खेल 50 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 200 रन के बाद भारतीय टीम की गाड़ी पटरी पर आ चुकी थी, लेकिन उसके बाद मैदान पर तूफानी बल्लेबाजी करने आए शिमरॉन हेटमायर और उनका बेहतरीन साथी रोमन पोवेल। 200 आते शिमरॉन हेटमायर ने भी मैदान पर कुछ आक्रामक शॉट्स लगाए और दो छक्के जड़ दिए, तभी रोमन पोवेल भी 23 रन बनाकर हर्षदीप सिंह की इस गेंद पर दीपक हुडा को अपनी कैच दे बैठे और रोमन पोवेल भी 23 रन बनाकर इस मुकाबले में 14 गेंदों का सामना करते आउट हुए। 200 यहीं पर हेटमायर और पोवेल की पार्टनरशिप टूट गई, अब हेटमायर अकेले पड़ गए थे, तभी इस तरीके से सिंगल लेकर दौड़ने के चक्कर में अपनी विकेट गंवा बैठे शिमरॉन हेटमायर और सूर्य कुमार यादव ने बेहतरीन थ्रो फेंका जिसके चलते बाहर रह गए हेटमायर और ऋषभ पंत ने रन आउट करा दिया। 20 रन बनाकर 12 गेंदों का सामना करते शिमरॉन हेटमायर आखिरी ओवर में आउट हुए। 200 आखिरी गेंद को खेला जेसन होल्डर ने और सिंगल आया, जिसके चलते इस मुकाबले में वेस्ट इंडीज ने अपने 20 ओवर समाप्त कर लिए 5 विकेट खोकर। 200 वेस्ट इंडीज ने अपने निर्धारित 20 ओवर में 164 रन लगा दिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर। जी हां, 200 वेस्ट इंडीज की टीम ने 164 रन लगा दिए हैं 5 विकेट के नुकसान पर और भारतीय टीम को 165 रन लगाने हैं। गेंदबाजी की बात करें तो भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट लिए, हार्दिक ने 1 और अर्शदीप ने 1। आवेश खान के हाथों 1 भी विकेट नहीं लगी और अश्विन के हाथों 1 भी विकेट नहीं लगी। इस मुकाबले के हीरो रहे वेस्ट इंडीज के काइल मेयर्स, जिन्होंने 73 रनों की बेहतरीन पारी खेली। 200 आप भारतीय टीम और रोहित शर्मा की कप्तानी को 10 में से कितने नंबर देंगे, इसका जवाब हमें कमेंट में एक बार जरूर बताते हुए जाएं। 200 भारतीय टीम को मिली करारी हार वेस्ट इंडीज के खिलाफ दूसरे T20I मुकाबले में। 203 घंटे लेट शुरू हुआ था दूसरा T20I मुकाबला, लेकिन उसके बावजूद भी निकोलस पुरन ने टॉस जीतकर भारतीय टीम को 5 विकेटों से करारा मुकाबला हरा कर रख दिया था और रोहित शर्मा को एक हार का सामना करना पड़ा सीरीज में। 200 पहली इनिंग में भारतीय टीम 130 रन पर ऑल आउट हो गई और वेस्ट इंडीज इतना टारगेट 19वें ओवर में पूरा कर चुकी थी, लेकिन इस मुकाबले में रोहित शर्मा ने एक ऐसा कारनामा किया जिसे देख आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 200 जब अर्शदीप सिंह गेंदबाजी कर रहे थे तब रोहित शर्मा ने एक चीज गौर करी अर्शदीप सिंह के ऊपर, जिसे आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 200 ऋषभ पंत ने चिल्लाकर रोहित शर्मा से कहा कि ये एकदम सही जगह गेंद आ रहा है, अगर इसको आखिरी के ओवर कराएंगे तो मुकाबला हमारा हो सकता है। ये बात ऋषभ पंत ने रोहित शर्मा को कही। अर्शदीप गेंदबाजी एक ही ओवर करके चले गए क्योंकि उन्होंने इससे पहले ठीक रोमन पोवेल की विकेट निकाली थी। 200 इसका फायदा उठाते हुए रोहित शर्मा ने वही काम किया जो ऋषभ पंत ने उन्हें कहा। रोहित शर्मा अर्शदीप सिंह के पास गए, उन्हें 19वां ओवर दिया और 19वें ओवर के सामने थे हमारे ओडियन स्मिथ और डिवियन थॉमस, और रोहित शर्मा का ये फैसला काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ।